वजह केंद्र सरकार का कानून है जो हमें नामंजूर है, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को हिस्सों में बांट रहा है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक हमें कोई राहत की अपील नहीं होती उधर से, मोदी जी से और अमित शाह से। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. मैं योगी जी के बारे में तो ये कहूँगी कि औरतों के लिए उनकी सोच बहुत ख़राब है, और मुसलमानों की तो औरतें ही काफ़ी हैं इन लोगों के लिए, तो आदमी तो बाद में आएंगे, हम औरतें ही काफ़ी हैं, और हमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही सड़कों पे आते रहेंगे। यहाँ पर हमारे वार्ड के मोहल्ले की जो लेडीज़ हैं वो सब शामिल थी, और यहाँ पे हमने विरोध किया है मोदी का और शाह का पुतला जलाया है। क्या वजह है विरोध की? वजह ये है कि जो उन्होंने बिल पास किया है देश को बांटने के लिए धार्मिक आधार पर, उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर हैं, और अफसोस हो रहा है सबसे ज़्यादा तो कि हिंदुस्तान के अंदर रहते मुसलमानों का, जो ये लोग मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहे हैं, मुसलमानों को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, उसके लिए हमारा विरोध दर्ज कराया हमने। सुपर तलाक को लेकर मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिम मेरी बहन है जी, आप बहनों की क्यों नहीं सुनते? भाई पहले तो अपनी बीवी का तो वो कर ले इंतज़ाम, फिर उसके बाद बोली हो हमारे लिए। हम अपने कानून हमारे लिए बन चुका है, बनाया हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो अपनी बीवी को देख जो मुसलमान हिंदू औरतों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है ना, आप उन्हें देखो पहले। केंद्र सरकार द्वारा माह दिसंबर के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल एक पास किया गया है, जिसके पीछे एक सोची समझी साजिश रही थी। वह साजिश इस प्रकार से थी कि जो NRC आसाम के अंदर लागू की गई थी, उस NRC के अंदर 19 लाख लोग जो है वो NRC के तहत निकले, वहाँ पे 15 लाख लोग जो है वो हिंदू थे और 4 लाख लोग मुस्लिम थे। तो इनका पासा जो हिंदुज़म का इनका एजेंडा है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, उस एजेंडे के मामले को लेकर उन्होंने देखा कहीं ऐसा नहीं हो कि यार के हिंदुओं को ही बाहर कर देंगे तो हिंदूवादी जो है सारे नाराज़ हो जाएं। तो इन्होंने वोटों की राजनीति को देखते हुए CA के अंदर एक बिल पास किया जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से, जिस पर राष्ट्रपति जी ने भी मोहर लगा दी है, और वह बिल जो है संविधान की धारा 14 का आर्टिकल का सीधा उल्लंघन है, और इस देश को संविधान को बचाने के लिए तमाम लोगों, जब से पूरे हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, इस केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हिटलर शाही के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान बंद भी था बहुजन क्रांति पार्टी के द्वारा, उसका हमने समर्थन किया। NRC संघर्ष विरोधी संघर्ष समिति जो बनाई है, CA NRC विरोधी संघर्ष समिति ने, आज उसके तहत यहाँ पर यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद है वार्ड नंबर 9 की शेफ्ता नाज, उसके नेतृत्व में आज जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जिसके अंदर महिलाओं की तादाद भी आप देख रहे हो कि काफ़ी है, इन सभी ने मिलकर आज अमित शाह और मोदी का पुतला जलाया और इनके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। आरिफ हुसैन, CA NRC NPR विरोधी संघर्ष समिति। आज NRC CA के मामले में जो एक नाम है, पूरे वार्ड नंबर 9 की महिलाएं जितनी भी रहती हैं यहाँ पर, उनके सबके द्वारा जो एक नाम है आज पार्षद के नेतृत्व के अंदर, क्या समझे, एक विरोध का अमित शाह और क्या नाम है मोदी साहब का पुतला जलाया हमने, क्योंकि उन्होंने ऐसा कानून किया है पास जिसके अंदर जो है संविधान की धज्जी उड़ा के रख दी उन्होंने। उन लोगों ने जो है क्या नाम है संविधान को ऐसा समझा गया है गाजर मूली की तरह, जो संविधान के अंदर 14 धारा है उसकी बिल्कुल उल्लंघन कर रखा है, जबकि यहाँ पर सबको अधिकार है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, क्या समझे, उस अधिकार को जो है क्या नाम है वो छीन रहा है हमारे से, दलित भाइयों से छीन रहा है वो, मुसलमान भाइयों से जो है क्या नाम है हमारी नागरिकता हमसे सबूत मांगता है वो, जबकि हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के अंदर कुर्बानी दी है, हमसे क्या मतलब वो मांगता है सबूत, हम तो खुद तेरे से सबूत मांगना चाहते हैं कि भाई तू कहाँ का है, हमारे तो बाप दादाओं ने, हमारे तो पुरखों जो है ना यहाँ इस गड़े में हमारे बुजुर्ग सारे हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है कि नाम है दफन है, आपका क्या सबूत है कि आप यहाँ के नागरिक हो? और मेरा आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को, सारे समाज के लोगों को, संविधान के बचाने के लिए एकजुट हो जाओ मेरे भाइयों, नहीं तो ये मोदी सरकार जो है संविधान खुद का बनाएगा। एक वक्त ये आएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ख़त्म कर देगा ये, और खुद का संविधान बना देगा ये, काला कानून बना रहा है ये, इसका विरोध करते हैं। वो सब भाइयों से मेरी अपील है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से, क्या इसके अंदर सब भाग लें और सब हमारा समर्थन करें इस कानून काले के खिलाफ़।